हेलो फ्रेंड्स, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना के बारे में। तो अगर आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की सोच रहे हैं या फिर आपने पहले से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। हमारी काफ़ी सारे व्यूअर्स के जो है कमेंट आ रहे थे कि इसमें सैलरी क्या रहेगी, इसमें क्या काम करना होगा और ये भर्ती परमानेंट है नहीं, तो सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर आ चुके हैं महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर काम की बात करें तो आपको यहाँ पर अपने ग्राम पंचायत में या अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो भी लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, ग्राम निवासी, उनको आपको बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, जो भी फाइनेंशियल और डिजिटल सर्विस हैं वो आपको अपने ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करनी होगी सीएससी के माध्यम से। तो आप एक सीएससी वीएलई के अंडर रहकर जो है आप काम कर पाएंगे अपनी ग्राम पंचायत में, और जो डिजिटल सर्विस होती है वो आपको अपनी ग्राम पंचायत में जो है प्रोवाइड करनी होगी। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर। आपको हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से जो है ग्रामीण सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा एम जी जी एस के। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी, महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र एमपी गवर्नमेंट टू ई गवर्नमेंट डॉट कॉम। इस पर आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर एक नोटिस देखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो इसमें लिखा हुआ है एम जी जी एस की परियोजना के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी है। इसमें किसी भी प्रकार का लेन देन एवं कोई एजेंसी शामिल नहीं है। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आप ग्रीवियंस स्लैश एम पी एट द रेट गवर्नमेंट टू ई गवर्नमेंट डॉट कॉम पर आप ईमेल आईडी पर जो है सूचित कर सकते हैं। आवेदक स्वविवेक का उपयोग करते हुए इस तरह के लोगों से सावधान रहें। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं इस परियोजना में सभी पद तीसरे पक्ष के मानदेय पर हैं और पद पूर्णतः अस्थायी है। इसके अलावा यहाँ पर तथा सभी पदों की कार्य अवधि प्रदर्शन मूल्यांकन अनुबंध की अवधि तक ही मान्य होगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स क्लियर कर देता हूँ। तो हमारी पिछली वीडियोज़ पर जो है काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे, जो हमने पिछली वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि आप महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो उस पर यही कमेंट ज़्यादा आ रहे थे कि सैलरी क्या रहेगी या फिर ये अस्थायी भर्ती है या स्थायी। तो अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है क्लियर कर दिया गया है सीएससी और ग्रामीण सेवा केंद्र की तरफ से कि ये भर्ती जो है बिल्कुल अस्थायी है, इसमें आपको कोई परमानेंट भर्ती नहीं है, इसमें आपको कब आपकी पंचायत से हटा दिया जाए या इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो वेतन होगा या आपकी जो सैलरी होगी वो तीसरे पक्ष के मानदेय पर है, यानी आपको थर्ड पार्टी के थ्रू आपको पेमेंट दिया जाएगा। यानी कि आपको सीएससी वीएलई की जो भी सर्विस है वो आप सीएससी की सर्विस अपनी ग्राम पंचायत में प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद सीएससी वीएलई अपने से जो है जो भी आपको मानदेय देगा वही आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर इसका जो है कोई भी कार्य अवधि नहीं है, इसमें आपको कभी भी यहाँ पर जो है कुछ भी काम दिया जा सकता है और कभी भी आपको यहाँ पर हटा दिया जा सकता है। तो ये भर्ती पूर्णतः अस्थायी है, तो इससे आप ज़्यादा कोई उम्मीद ना रखें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं तो एक सीएससी वीएलई जो होता है उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जो है बेनिफिट नहीं होता, यानी कि कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो वो एक ग्राम सेवक को इसमें क्या पेमेंट देगा, आप यहाँ पर कुछ सोच सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी पेमेंट होगा यदि आपसे वो काम कराता है सीएससी की जो सर्विस है आपको प्रोवाइड करता है ग्रामीण क्षेत्र में आप, तो उस पर आपको कुछ भी यहाँ पर पेमेंट दे सकता है, कुछ भी थोड़ा बहुत। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कोई पेमेंट की उम्मीद मत रखना। तो काफ़ी सारे जो है व्यूअर्स कमेंट कर रहे थे कि 6,000 5,000 रुपये इसमें सैलरी रहेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा इसमें। तो ये बिल्कुल अस्थायी भर्ती है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं सीएससी के माध्यम से ही आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, सब कुछ यहाँ पर सीएससी के माध्यम से ही आप सर्विस दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई अलग से सर्विस आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको कोई टेंडर या काम दिया जाएगा। तो जो सर्विस होगी वो केवल सीएससी वीएलई को दी जाएंगी, उसी के अंडर में रहकर आप काम कर पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर एक और चीज़ की कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना चाह करेंगे। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इस भर्ती में फिर भी आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो का आपको लिंक वीडियो के जो है ऊपर मिल जाएगा आई बटन में। आप हमारी पिछली वीडियो देखकर जो है पूरा उसमें कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन बताया कि आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सीएससी
यानी कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के लिए। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।